कस्टमर बन के आई थी, उससे इतनी अफेयर हुई, इसने मेरे को मेरे पति ने दुकान में आना बंद कर दिया। मुझे क्या पता था यहाँ ऐसे काम करता है ये दुकान में बैठ के। अब वो कह रही मैंने इसको पैसे दे रखे हैं, मेरा 30 लाख दे दो, अपना पति ले जाओ, यहाँ झाड़ू पोछा भी करेगा, सब कुछ करेगा, वो मेरा कर्जा उतारेगा। मैडम ऐसी वीडियो बनाता है ना, जब मेरे बच्चे छोटे थे दूध पिलाती थी मेहमानों को, रिश्तेदारों को मेरे कमरे में, देवरों को मेरे कमरे में, वॉशरूम में कैमरा लगा रहा, बताओ वो पति कैसा होगा। घर के बाहर उसने बहुत मारा, बच्चों के सामने मारा, ईंट उठा उठा के मारी है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते की नींव ही विश्वास होती है, और ये नींव तब डगमगा जाती है जब कोई विश्वासघात कर दे। नमस्कार, मैं हूँ तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट, और इस वक्त मैं दिल्ली के पटेल नगर थाने के बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये एक ऐसी भीड़ है जो इंसाफ चाहती है। एक महिला जो है इंसाफ की गुहार लगाती है, उस गुहार लगाती है कि एक पति जो उनका पति है उसका एक पराई स्त्री के साथ अफेयर चल रहा होता है, एक बसे बसाए परिवार को कैसे तोड़ते हैं वो उस पति ने किया है। तो चलिए यहाँ पर महिला से बातचीत करते हैं। तो मैम क्या हुआ था और कैसे पता चला कि पति का अफेयर चल रहा है? मैंने इसको रंगे हाथ देखा ना, मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा, ये मैंने मीडिया बुलाई थी, मैंने कहा तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, मेरे को बाहर से सुनने को मिला, मैंने इग्नोर की बात है, कब पकड़ा ये? मैंने इसको पकड़ा था वीरवार या शुक्रवार की बार की बात है, आज इसको आ गए 2-3 दिन हो गए, मैंने मीडिया भी बुलाई थी और मीडिया को देखते ये दोनों रफा दफा हो गए। महिला की पहचान हो सकती है, कौन थी महिला, क्या करती थी? महिला का दुकान है उसकी, वो स्कूल है, डिंगडोंग नाम से स्कूल है 20 नंबर रोड पे, और उसका प्ले स्कूल है उसका। वहाँ पर है स्कूल? ये 20 नंबर रोड ऊपर आई पंजाबी बस्ती। वहाँ पर क्या करती थी? स्कूल चलाती है, प्रिंसिपल है स्कूल की। हाँ प्रिंसिपल है स्कूल की, और उसका नाम है दीपाली अरोड़ा है उसका। वो कह रही मेरा डिवोर्स भी हो रहा है, वो ऐसा भी कह रही डिवोर्स नहीं भी हो रहा है, शादीशुदा है उसके 2 बच्चे हैं, 22 साल के बच्चे हैं उसके, बड़े बड़े शादी करने लायक हैं। और ये मेरे दुकान में आई थी पहले रेंट पे, वो कस्टमर बन के आई थी, उससे इतनी अफेयर हुई, इसने मेरे को मेरे पति ने दुकान में आना बंद कर दिया। मैंने क्या काम करती? पति का बिजनेस था, रेंट पे था उसका, कपड़ों का था, रेडीमेड कपड़ों का था शॉप। आप हाउस वाइफ? हाँ हाउस वाइफ थी। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बिठाते हो दुकान में, कह रहा नहीं तेरा क्या काम है यहाँ, क्या करेगी? मुझे क्या पता था यहाँ ऐसे काम करता है ये दुकान में बैठ के। आज भी उस औरत ने वो सब दुकान वहाँ से हटा के फिर ये कलिंगा चौक में इसने दुकान खोली, फिर ये लोग सांस भी सभी सारे वहीं जाते थे, मुझे नहीं ले जाते थे। अब वो कह रही मैंने इसको पैसे दे रखे हैं, मेरा 30 लाख दे दो, अपना पति ले जाओ। मैंने कहा तुमने 30 लाख उधार लिए थे? नहीं पता। वो कह रही मैंने इसको दिए हैं। मैंने कहा दिए तो सबूत दिखाओ ना, किस टाइम कहाँ दिए किधर दिए, मुझे क्यों नहीं बुलाया? कह रही मैंने अपना पूरा परिवार, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया? की कीमत वो 30 लाख रुपए लगा रही है। हाँ कह रही मेरा 30 लाख दे दो, अपना पति ले जाओ, यहाँ झाड़ू पोछा भी करेगा, सब कुछ करेगा, वो मेरा कर्जा उतारेगा। मैंने कहा मैम ऐसा है, मेरे को नहीं पता, मेरा पति मुझे दो, 15 दिन से मैं बाहर बैठी हूँ, मैं तेरी दुकान के बाहर धरना दे दूंगी, मैं बाजार नहीं खोलने वाली तेरा यहाँ पे, जो तू गेरी कह, ऐसा मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तेरा कुछ नहीं है, तुम चोरों की तरह मीडिया के सामने मुँह क्यों छुपाया आप लोगों ने? आज तेरा पति मेरे को तुम्हारे चक्कर में मेरे को भी डिवोर्स दे रहा है, वो किस रीजन में? महिला का नाम क्या है? दीपाली अरोड़ा। ये बताइए कि ये अफेयर जो चल रहा था ये कब से चल रहा था और कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया है। 1 साल से चल रहा था और आपको अभी कुछ दिनों में पता चला है मेरे को? धीरे धीरे मैं इग्नोर करते गई, मैंने कहा चलो पहले इसका रोड़ी में भी चला, मैंने कहा इग्नोर करा, मैंने कहा छूट जाएगा सुधर जाएगा, मैंने कहा नहीं भाई बाल बच्चे, मैंने कहा कहाँ ले जाऊँ बूढ़े माँ बाप के घर में बच्चों को लेकर। वो आपको मारता भी था? मारता है, पीटता है, दारू पीता है, शराब पीता है, क्या नहीं करता है वो, है गंदे काम बच्चों के साथ। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? मेरी अरेंज मैरिज थी, और इसने शादी भी धोखे से करी है मेरे साथ। मेरे को उसने मेरे को बोला कि मेरी कास्ट है बिष्ट, और अब कहता मैं पांडे हूँ, और इनका ससुर भी नहीं है इनके साथ, ससुर भी है, ससुर ने भी मुझे कुछ नहीं बताया अपने बारे में। अरे ससुर जी मेरे बारे में कुछ बोलते कि गंदे जॉब लगे, कि मेरा ससुर इसलिए नहीं आता कि तुम उसको थाने में बंद करवाएगी। बच्चों के सामने मारता था और बच्चों को भी मारपीट करता था? बच्चों के साथ मारता, सोए में मारता, वैसे भी मारता, गला दबाता, क्या क्या नहीं करता। बच्चे आप? मेरे 2 लड़के हैं। बताया जाता 4 बच्चे थे, उसने वही ऑपरेशन करवाए, 2 मेरे, हाँ ऑपरेशन करवाए। मारता पीटता था उस वक्त भी? वजह से हुआ है 2 बच्चे मिसकैरेज? हाँ मिसकैरेज हुआ है मेरे। अब अगर मुझे डिवोर्स चाहिए कैसे भी करके डिवोर्स दे, और उसने कल मेरी सास ने उसको फोन कर, उसका केस कब से चल रहा है ये डिवोर्स? तो मैंने वो खुद मांग रहा है डिवोर्स, मैं नहीं मांग रही थी उससे, मैंने कहा मैं डिवोर्स क्यों दूँ मैं बताओ, वो डिवोर्स के लिए ही मार रहा है, कह रहा मुझे डिवोर्स चाहिए तो चाहिए, मेरे को नहीं रखनी तेरे को। तभी उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, इसमें मकान वाली ने भी बिजली भी काट दी,
पानी बंद कर दिया, घर में ताला भी लगा दिया, कह रहा तुमने रेंट नहीं दिया, कह रहा मैंने 25,000 का चेक दिया है। मैंने कहा चेक दिया तो मैंने कहा मैडम मेरे को तो आने दो अंदर, सबको रात भर बाहर बैठी हूँ। वहाँ उस पब्लिक के वहाँ जो घर के बाहर उसने बहुत मारा, बच्चों के सामने मारा, ईंट उठा उठा के मारी है। पति का नाम क्या है? राम सिंह। एक नाम नहीं है मैम, उसके कोई नाम राम सिंह, मैम चार नाम है, राम सिंह, राजेंद्र, राजीव। राजेंद्र कहता है कभी। अब उसके आपको नाम नहीं पता कि असलियत में नाम क्या है? असली नाम राम सिंह है, कहीं बाहर दूसरी जगह आपसे जैसे मेरे से मिला तो मेरे को राम सिंह बताएगा, आपसे मिलेगा तो राजीव बताएगा, इसको मिलेगा तो राजेंद्र बताएगा। उसके फ्रॉड गेम खेल बनता है, वो फ्रॉड पूरा फ्रॉड है। इस समय बहुत लड़की परेशान है, इसके लिए हम भी सुबह से कल से भी धक्के खा रहे हैं। इस लड़की को हमारी को न्याय चाहिए, किसी भी तरह हमारी लड़की को न्याय दिलवाया जाए और उसको यहाँ बुलवाया जाए ताकि पता लगे स्पष्ट क्या कहानी है। इनके पति का जो परिवार है वो साथ दे रहा है कि नहीं? वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा जी, लड़की का परिवार पूरा साथ खड़ा है इस समय, लड़की का पूरा परिवार इस समय यही है। इनकी अरेंज मैरिज है? लव मैरिज। अरेंज मैरिज है जी। परिवार कोई सहयोग नहीं दे रहा है? परिवार इस समय पूरा सहयोग में खड़ा है मैम। इनका परिवार, पति का कोई परिवार सहयोग नहीं है, पाने की कोशिश कर रहा हो? हाँ जी, पूरी बात छुपा रहे हैं, कोई रियल मतलब कहानी नहीं बता रहे हैं। माँ रहती है उनके साथ, माँ भी सपोर्ट नहीं कर रही है अभी, और उनकी एक सिस्टर है वो बहुत सपोर्ट करती है, पर सिस्टर उसको। सास कैसी है इनकी, ये भी मारपीट वगैरह करती है या उसका सपोर्ट देती है? बेटे का कितनी, मेरा बेटा पूरा सपोर्ट, बेटे का सपोर्ट देती है हर गलती में उसका। आपको पता है ये सब चल? सब पता है उसको, माँ को, माँ को सपोर्ट कर सबूत तक दिखाया है, सबको सबूत दिखाया है मैंने उसको। मैंने कहा देखो मम्मी तुम्हारा बेटा इतना जंगली, मैं इसकी बीबी हूँ कि मैं उसकी वो हूँ, पहले बताओ। अंदर खाने खाने के लिए नहीं बैठाती है उसको, वो क्या बहू मन समझाएगी? जब भी ये उसके रसोई में जाएगी इसको बाहर धक्का मार देती है, ये वैसे कैसे खाना खाएगी? और ये कहती मैं तो देवी हूँ, मेरे तेरे हाथ का लगा हुआ नहीं खाऊँ। इससे पहले भी चक्कर सामने आए हैं उसके? बहुत बहुत पहले से परेशान है मैडम, अब ये जो है कि इस समय तो बुरी हाल कर रखी है इसकी। पर पारा कर दिया है तो मेरे को ये करना पड़ा। वो मैं कह रहा तू मेरी वीडियो बनाता है मैडम, ऐसी वीडियो बनाता है ना, जब मेरे बच्चे छोटे थे दूध पिलाती थी मेहमानों को, रिश्तेदारों को, मेरे कमरे में, देवरों को, मेरे कमरे में। वॉशरूम में कैमरा लगा रहा, बताओ वो पति कैसा होगा? वॉशरूम में भी कैमरा लगा, वॉशरूम में, बेडरूम में, जहाँ जहाँ ये जाएगी वहाँ वहाँ इसके कैमरे चलते हैं। चार लोगों को दिखाऊंगा। आपने कहा कि आपका दो बार मिस कैरेज हो गया, उस वक्त आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं करी? मैंने किसी को नहीं बताया इस बारे में, मैम। इसने सोचा मेरा पति आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, यही कहते रह गई है। मैं इसको बोलती थी कितना तू अपने हक के लिए लड़, मैं कब तक तुम्हारे लिए लड़ूंगी? अपने हक के लिए तो लड़, तू औरत है, इन दो बच्चों के लिए तो लड़, हम कब तक तेरे लड़ेंगे? अब पुलिस थाने में जाएंगे, पुलिस वाले बोलते तुम लोग बोलते हो, ये क्यों नहीं बोलती है? पुलिस वाले क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसको लेकर? कुछ नहीं कर रहे, मैंने अपने यहाँ पे थे उनके खिलाफ, क्या कार्रवाई करी, क्या कुछ करा, कुछ भी नहीं पता हमें। पैसे क्या हुआ कुछ भी नहीं पता हमें। आज सुबह आए तो उनको बोल दिया कि एक चांस दे रखा है, आप बताओ क्या लग रहा है कि क्या वो प्रिंसिपल थी वो इन्वॉल्व है इस जमानत को लेकर? हो भी सकती है, उसको कॉल करता है, मेरी हर खबर देता है। एक्चुअली मैडम मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरी नॉलेज में ये मैटर आया है आज, तो मुझे किसी ने बताया है इन्होंने 751 का ही केस बनाया है, जबकि इसके प्रॉपर इंजरी हैं, अपर इसके हैंड पे भी हैं, स्किन ये मार्क्स भी हैं इसके, आप देख सकते हो। 751 यहाँ पे कंप्लेनेंट पे भी बना देते हैं। ये हो चुका है मेरे साथ, इसको बनाया मेरे साथ हो चुका है। मैं 24 जनवरी से 27 तक मुझे कोई रवि नाम का लड़का है चाकू मारने आ रहा था। यहाँ का जो अदर स्टाफ है ना वो तो कोऑपरेटिव है पुराना, जो एसआई रैंक के और बंदे आ रहे हैं विक्रम दहिया कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कहने की पुलिस भी इन्वॉल्व है इसमें? पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। मेरी 275 गज की प्रॉपर्टी के लिए मेरा मर्डर प्लानिंग हो चुकी थी। इस एरिया में मैं पली बड़ी हूँ, बबली नाम है मेरा, मैं एक्टिव रहती हूँ, मैं सक्षम हूँ अपने आप में। 6 घंटे मैं अपनी प्रॉपर्टी पर फंसी रही हूँ, 21 नंबर गली बलजीत नगर। मुझे लेडी काउंसलर ने निकाला था, जो कि मेरी वेलविशर भी है और मैं उनके लिए वॉलेंटियर भी काम करती हूँ एज ए वॉलेंटियर। इसीलिए मैं इस लेडीज़ की सपोर्ट में आज आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता, लेडीज़ के लिए तो होना चाहिए ना। चलो ऐसे नहीं कर रहे जा रहा था, पति का और भी जगह अफेयर चल रहा था, एक नहीं कई अफेयर चल रहे थे मेरी नॉलेज में भी है। इस बंदे के 3-4 अफेयर हैं, बाहर कोई कुछ भी करे मैडम, अपनी वाइफ को एज ए ह्यूमन बींग, एज ए लेडी ऐसे तो ना मारे ना, इससे तो हम भी हाइपर होंगे, हम भी एग्रेसिव होंगे, उसको पकड़ के मैं तो पीट दूंगी, क्योंकि इतनी बुरी हालत इस लेडी की कर रखी है, आप देख सकते हो। गली में घिसड़ के लेके गया मेरे को, किसी ने नहीं मदद करी, पड़ोसी भी थे, मैंने उनके हाथ जोड़े, मैं बचा दो भाई, इसे ईंट छुड़वा दो, बचा दो, किसी ने मेरी उस टाइम हेल्प नहीं करी। पड़ोसी ने भी हेल्प, नंबर पर खुद फोन किया, तीन बार कॉल करी, इन्होंने एक बार भी नहीं आए। मैंने घर का एड्रेस, मैं घर एड्रेस दिखा दो, लाइट लगा दो मेरे घर की तरफ, किसी ने कुछ ही नहीं करा वहाँ पे। सब तमाशा देखी, मेरे हाथ पैर सब टेढ़े थे उस टाइम, पूरी टेढ़ी हो चुकी थी, अकड़ गई थी पूरी। ये जो पेशेंट है
दिख रहा है पेशेंट है। कल रात को इनके साथ जो MLC वगैरह करवाई है, जो इंजर्ड है ये लेडी, यहाँ पर अभी थाने के गेट के बाहर भी नहीं बैठने दिया। थाने का रोल कोई गेट के बाहर का नहीं होता है। अगर ये लेडी कंप्लेंट लेके आ रही है, इसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो ये तो रोड लगता है। यहाँ पे तो अभी मीडिया ट्रायल ये चल रहा था, बाइट वगैरह ले रहे थे, इसको बैठने नहीं दिया। जब इतनी पब्लिक में इसको सपोर्ट नहीं मिलने दी कि यहाँ मत बैठो, तो रात को इसके साथ क्या हुआ होगा? क्या मांग है अपनी? आपको बच्चों, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को अपना क्या इंसाफ, को बच्चों का भी हक चाहिए। मेरे को बच्चों को स्कूल पढ़ा रहा है, मेरे को सब कर, मैं 2000 की नौकरी में झाड़ू पोछे से मेरा बच्चों का नहीं चलने वाला। और उसमें बच्चों की कस्टडी का क्या है, किसके पास जाएंगे बच्चे, किसके साथ? मेरे पास ही जाएंगे बच्चों के लिए, मैं ही मांगू। मैं उस आदमी के पास नहीं धरूंगी, धरंदे के पास। वो तो मेरा बच्चा कल रात भी मार दे, कभी भी मार सकता है। वो तो उन्हें धमकी दे रही, मैं खत्म कर दूंगा कह रहा है। मैं नहीं रखना चाह रहा किसी को भी, मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे खबर है इन सब चीज़ की, सब पता है उनको, सब पता है। वो मेरे को फोन नहीं दे रहे, मेरी FIR लिखी नहीं है लोगों ने ना, मुझे उसका वो दी फोटो कापी, कुछ नहीं दे रहे मेरे को। वो FIR की फोटो कापी भी नहीं दी, और ना जो मैंने कल बयाना दिया उसका भी नहीं बयाना। उन्होंने क्या लिखा है, FIR लिखी है नहीं लिखी है, हमें कुछ भी नहीं पता। नहीं लिखी है, हमने बोला उसने लिखा, पर कहते हैं उसने बोला, हमने कहा जो साइन कर रखे हैं सर, कहते हैं उसको कम से कम हमको वीडियो तो कहते इसका फोटो कापी तो बना दो। उनने बोला नहीं, ये सब अब थाने में जाएगा, बोला आप उधर ही जाके मिलोगे, ये बोला हमको उनने। कल शाम को इतनी मारपीट करी, मारपीट करने के बाद इसको पहाड़ी हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद इसको RML में एडमिट कराया गया। जमानत के बाद मारपीट करना शुरू कर दिया। हाँ, मारपीट करी, जमानत नहीं मिली हुई थी ना। हाँ, तो इसको RML से हाँ इतना मारने पीटने के बाद भी उसको जेल में नहीं रखा गया, तो इसको इंसाफ चाहिए। जो 10 साल से हम लोग ऐसे कर रहे हैं, मायके से ही सब कुछ करते हैं, ना बच्चे पढ़ रहे हैं ना कुछ, इनको खाना जान से मारने की धमकी भी दी गई जान से, और मायके वालों को मार देंगे, जो बीच में आएगा उसको मार देंगे, और तेरे वकील का घर हम भर देंगे। वो उसका कहना है कि वकील का घर हम भर देंगे, लेकिन ना तो मैं बच्चों को पैसा दूंगा और ना ही मैं बीवी को दूंगा, वकील का घर जरूर भर दूंगा पैसों से। और ये धमकी हमेशा ही देता रहता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे अभी FIR लिखी नहीं गई है, अभी बीच में आके फिर मार दें, फिर क्या होगा? उसके जिम्मेदारी कौन लेगी, पुलिस वाले लेंगे कि ये लेंगे? फोन में भी मुझे ये बता दो बस। रहता है मैडम, फोन में सारी उल्टा सुटा बोलेगा, ऐसा करूँगा सोगा, फोन में सारे धमकियाँ दी जा रही है, धमकियाँ दी जा रही है। अब तो इसका मतलब ऐसे धमकी देने वाला कभी कुछ कर, महिला पक्ष को इतना दबाया क्यों गया है, इसका इंसाफ चाहिए हमें। मेरी 2 बहनें रहती हैं, 2 सिस्टर रहती हैं, ऊपर रहती है जनता पार्क में, ऊपर कुंवर सिंह चौक में, उनको भी वहाँ धमकी दे के आया। मैं इसी दिन में मेरे तो रिश्तेदार थे, मैं इसलिए नहीं गई, मेरे को धमकी दे रही थी। इन लोगों ने मेरे को बोला बेटा क्यों नहीं बुलाया, मैं कहा नहीं बुलाया। जब उनको धमकी दे के आया ऊपर घर जा के, उनको जो इसके मैटर में घुसेगा कह रहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं बाहर से मरवाऊंगा अपने बंदे बुला के। आप कौन लग रही हैं इनकी? मैं इसकी छोटी बहन हूँ, और ये जब इसने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है और हमारे घर आया, हमें तो पता नहीं था ऐसा कुछ भी। यहीं रहती है? हाँ जी, हम वहीं रहते, बलजीत नगर में ही रहते हैं, और हमारे घर आके बोला है कि कोई भी उसका साथ देगा मैं उसको भी बिना मतलब के फंसाऊंगा। बताओ, ये जॉब करती है, कल के परिवार को धमकी दी? हाँ जी, खुलेआम धमकी घर पर आके दे के गया है। हमने उस टाइम कुछ नहीं कहा, हमने कहा चलो घरेलू मतलब वो है, इनका आपसी मामला है, सुलझ जाएगा। पर हमें नहीं मालूम, कल जब इसका फ़ोन आया हम भागते हुए गए, इसको मार के भागा है बकायदा। इसकी सास ने खुद बुलाया है, इसकी सास ने बोला है आ बेटा, आप भी साथ दे रही है, सास भी साथ, साथ है, नंद भी साथ है, उसकी नंद भी है, सब है, मरवाने में सब साथ है, और इससे ब्लैंक पेपर पे साइन लिया जा रहा है। किस जब पेपर पे साइन क्यों किया? मेरे को मैम उसने होश नहीं थी, उसने ऐसे आगे रखा और ऐसे उठाया और ऐसे बोला कर दो, और वो मेरे आगे लिख रहा है। मेरे का भी मैं बोलने के उसमें नहीं हूँ, मैं कल आगे लिख लेना नहीं, अब तुम ठीक लग रही हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ठीक हो, बोलने की हालत में नहीं है। अगर कल को कहते थोड़ा बढ़ा के स्टेटमेंट देना होगा तो कहते कोई बात नहीं आप बढ़ा के देना, कल को हम फिर से आएंगे, उनने ये बोला। मगर आज जब स्टेटमेंट आज पुलिस CO के पास जाती तो वो स्टेटमेंट है ही नहीं। किसका किस पे यकीन करें? पहले कह रहे घर से निकल जा, पेपर में साइन करके जाएगी, हर पेपरों में पेपर में साइन करके जाएगी, जबरदस्ती साइन करवा रहे मेरे को निकलने के लिए। बोल चुका है कि साइन कर, अपने साइन कर और मैं उसमें लिखूंगा कि क्या क्या तूने किया है। अपनी मर्जी से घर है कि यहाँ से जाएगी, खाली करेगी तो साइन करेगी। दोनों माँ बेटे एक जगह है, अपना सामान लेके भी गए हैं। अपनी बेटी भी आई है मैम, उस बेटी को भी घसीटूंगी मैं यहाँ। वो बेटी क्यों आई और उसके जमाई से दो? मैंने कहा बहन, मैंने कहा नंद, जब तूने मेरा रिश्ता नहीं रखा नंद भाभी का, मैं तेरे को कहाँ से पैसे दूँ? मेरे से पूछ के दिए थे, मैंने कहा आपके घर मैं आई थी, मैंने अपनी नंद को बोला मैं आपके घर आई थी पैसे लेने के लिए। प्रिंसिपल के खिलाफ हुई कोई कार्रवाई? कुछ नहीं हुई, वो तो भाग गई, उसने तो उसे खुलेआम घूम रही है वो, पुलिस वहाँ गई नहीं, मीडिया के साथ 30 लाख रुपए दिए हैं। हाँ, और उसका सबूत कुछ भी नहीं है। 30 लाख का क्या किया? 30 लाख का क्या किया? दिखे ही नहीं मेरे को इसको, क्या बता मैम। और उसने कहीं रेंट उसको कमरे दिए हैं? नहीं दिए हैं, कहीं कमरे में रह रहा है वो, मतलब बता, उसको सब पता है उस लेडीज को। वो
वो दीपाली अरोड़ा कुछ बता नहीं रही। मैंने कहा उसके फोन में चैट होती है सब बात, हम नहीं जानते मैम। रात के दो दो ढाई ढाई तीन तीन पूछताछ नहीं की, वो 30 लाख का हुआ क्या नहीं पूछी उससे, मेरे सामने उसको लाया नहीं, कॉपी भी नहीं दिया गया है। मारने को आ रहा है, हम जब लास्ट में जब हम उसके कहते हैं लोगों को भी, हाँ आज हमको मारने के लिए जैसे आता है, मैंने बोला सर वो हमको मारने आ रहा है, आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हो, तो उसकी बहन पता है पीछे से वीडियो बना रही है, मैंने बोला सर वो वीडियो बना रही है हमारी, वो वीडियो बना रही है, आप बोलता कहते हैं मेरे देवर ने बोला मेरी बहन के साथ आज ये हो रहा है, तुम्हारी कल तेरी लड़की के साथ ऐसा होगा, तो पुलिस वाला बोलता है तू मेरे को ऐसे करके हेड बोल रहा है पुलिस वाला। मैंने कहा सर आपको साथ देने के बजाय आप इसको हेड बोल रहे हो, आप में इंसानियत नहीं है क्या, इस लड़की के साथ इतना कुछ हो रखा है, खड़ी नहीं हो पा रही है, आप ऊपर से कहते हैं एक भाई क्या बोलेगा बताओ अपनी बहन के लिए, आप उसके बजाय उसका साथ देने के बजाय आज उसके साथ आप पीठ थपथपा रहे हो उसकी। लोगों का सबका चक्कर चल रहा है, ये सब अपना सब कुछ पा रहे हैं, अगर मैं अपनी नंदगी पोल पट्टी खोलूँ ना मीडिया में पूरे में, तो वो उसका पति उसको छोड़ देगा। मैंने कहा पुष्पा, मैंने कहा एक तू भी औरत है बहन, मैं भी एक औरत हूँ, मेरा दर्द तो समझ, तेरे को नहीं पता तेरे भाई ने मेरा साथ किया, सब उस औरत लड़की को सब पता है, मेरी नंद को, वो अपने भाई का सपोर्ट दे रही है हर चीज़ में। भाई बहनों का ही अफेयर है, भाई का कहीं और है और बहन का कहीं और है, और बहन भाई को हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, माँ और बहन दोनों ही। मेरा पति मेरे को खुद छोड़ के गया, उसका भी अफेयर है, बताओ अभी कानदार मुझे अब पता चल रही है धीरे धीरे इनकी घर की कहानी। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि महिला कितनी तकलीफ में है, और सोचने की बात यह है कि महिला का कहना है कि जो इनका पति था पूरे घर में सीसीटीवी लगवाई हुई थी और बाथरूम तक में सीसीटीवी लगवाई हुई थी, परेशान करता था और साथ साथ इनके साथ साथ इनके बच्चों को भी पीटता था। तो महिला का बस ये कहना है कि उनके पति की गिरफ्तारी हो और उन्हें इंसाफ मिले। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।